प्रेम प्रेम सो ऊ कहत प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोय। पाई विद पंडित की इस साहित्यिक श्रृंखला में रस खान, फिर से रस खान की बातें। ये तीसरा सीरीज है, शायद आपको मौका मिला होगा पहले दो सीरीज रस खान के कार्यक्रम को सुनने का। नहीं तो अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं और रस खान को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन पर शोध करते हैं, तो मेरे तीनों सीरीज को सुनिए। एक प्रेम और वैराग्य के कवि, जिन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में जो महत्वपूर्ण भक्ति काल है उसे एक विशेष स्वरूप दिया। कृष्ण की लीलाओं को इतना, लीलाओं का इतना सुंदर चित्रण किया है, और ये वही सैयद अब्राहम रस खान है जिनके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, उन्होंने अपनी इस्लामियत को कायम रखा और उन्होंने कृष्ण के पूजा नहीं, प्रेम पे बल दिया है। उनकी बाल लीला, चीरहरण लीला, कुंज लीला, रास लीला, पनघट लीला, दान लीला, ये सब महत्वपूर्ण काम हैं रस खान के। और जो आप उनकी विशेषता यह है उनकी रचनाओं की, उनकी पदावलियों की, या उन्होंने जो सवैयां लिखी हैं, कि हिंदी साहित्य में उन्होंने सिर्फ प्रेम को भक्ति के सम्मिश्रण के साथ सम्मिश्रण के साथ एक दर्शन दिया है। उनकी पदावलियां समाज को मार्गदर्शन देती हैं, और वो अगर आप उसके गूढ़ मतलबों को समझेंगे तो वो कहीं ना कहीं समाज पे प्रहार भी करती हैं, उनको संदेश भी देती हैं, और धर्म रिवाज की परंपराओं पे चोट करती हैं। उनकी ब्रजभाषा में प्रयोग किए गए शब्दों का बहुत उतना सीधा मतलब नहीं है, उनके पीछे बहुत ही गहरा दर्शन है रस खान की रचनाओं में। अब देखेंगे आप, प्रेम प्रेम सो कहत प्रेम न जानत कोई, जो जन माने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए। प्रेम बारुनी छान के वरुण वये जलधीश, प्रेम बारुनी प्रेम मदिरा शराब को जब उन्होंने पिया तब जाकर भगवान वरुण जल के भगवान हुए, क्योंकि उन्होंने जल के सारे विष को ग्रहण किया और सिर्फ प्रेम को रखा। प्रेम बारुनी छान के वरुण भये जलधीश, प्रेम ही तय विष पान करी पूजे जात गिरीश। प्रेम फांस में फसी मरे सोई दिए जिए सदाई, प्रेम मरम जाने बिना मरी को जीवत नाय। को यही फांसी कहत को कहत तरवार, नेजा भाला तीर को कहत अनोखी ढार। अकथ कहानी प्रेम की जानत लैली खूब, दो तन हूं जहां एक भय मन मिले महबूब। कितना गहरा दर्शन उन्होंने अपनी इन्हीं भावनाओं के साथ दिया है कि वेद या कुरान पढ़ने से आप पंडित या मौलवी तो हो सकते हैं, लेकिन जब तक उन और उनका प्रेम से उनकी कोई तुलना नहीं है। ये थे रस खान। पाइप विद पंडित पे मिलते रहिए, राय देते रहिए। शुक्रिया।